इंग्लैंड के पीएम ने 101 साल के इकलौते एक बुजुर्ग सिख को इस साल 28 जून 2023 को एक बड़े अवार्ड से नवाजा था। आखिर यह कौन सा सिख था जो दूसरे वर्ल्ड वार के समय से आज तक जीवित है और स्वस्थ है। इनको ऋषि सुनक जी के द्वारा पॉइंट लाइट ऑफ ऑनर का अवार्ड दिया गया था। इस वीडियो को देखकर आप आगे शेयर जरूर करना। सरदार राजेंद्र सिंह दत्त को ऋषि सुनक जी द्वारा सम्मानित किया गया था इसी साल, लेकिन हमारे देश के लोग इस बात को नहीं जानते हैं। सरदार राजेंद्र सिंह दत्त पूर्व फौजी रह चुके हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार टू में अपनी सेवाएं दी थी। सेकंड वर्ल्ड वार के समय से वह आज तक इंग्लैंड लंदन के अंदर ही रहते हैं और इनकी उम्र 101 साल हो चुकी है और 102 साल के अंदर इन्होंने अपने कदम रखे हैं। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक जी ने इनको पॉइंट लाइट ऑफ ऑनर के अवार्ड से नवाजा और इनका धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी यह बेहतरीन सेवाएं दूसरे विश्व युद्ध के अंदर ब्रिटेन के लिए दी थी। इसी तरह सरदार राजेंद्र सिंह दत्त जी ने अपनी एक यूनियन बनाई थी जिसमें वह उन फौजियों को इकट्ठा कर रहे हैं जिनके अंदर आज भी सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ने वाले जो फौजी आज के समय में जीवित हैं। आज लोगों की उम्र केवल 40 से 50 साल की रह चुकी है, औसत उम्र केवल 55 से 60 साल है। वही राजेंद्र सिंह दत्त बड़े खुशनसीब हैं कि वह आज अपने परिवार के साथ रहते हैं और 101 साल की उम्र वह बिता चुके हैं और 102 के अंदर वह अपने कदम रख चुके हैं। दोस्तों यह थी कहानी सरदार राजेंद्र सिंह दत्त की जिनको ब्रिटिश पीएम के द्वारा सम्मानित किया गया था। मिलेंगे एक और ऐसी ही बेहतरीन कहानी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।